हाय गाइस, मैं उन्हें और आप देख रहे हैं बस वेट। गाइस, आज एक बहुत ही जेनरिक प्रॉब्लम मेरे पास आई है जो कि एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की है। ये एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जो कि मेरे फ्रेंड की है। और आज मेरा फ्रेंड मेरे पास आया और बोला कि ये जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है ये मेरे पीसी में शो नहीं हो रही है। ठीक है, मैंने भी अपने पीसी में लगाकर देखा तो एक्चुअल में शो नहीं हो रही थी। सी गेट की बैकअप प्लस अल्ट्रा टच ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। तो क्या हो सकता है इशू, ये आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे। ठीक है, 1 TB की हार्ड ड्राइव है। चलिए इसको प्लग इन करते हैं अपने लैपटॉप में और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको मैं प्लग इन कर देता हूँ USB पोर्ट से। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो लाइट है वो ब्लिंक कर गई है, यानी कि जल गई है। दैट मीन कि ये वर्क कर रही है और हल्का सा इस हार्ड डिस्क को टच करके फील भी हो रहा है कि इसमें जो सप्लाई है वो पहुंच रही है। दैट मीन कि हार्ड डिस्क में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर फिजिकली तरीके से देखें तो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लैपटॉप में, यहाँ पर मेरे सेफली रिमूव हार्डवेयर यहाँ पर आ गया है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इजेक्ट BUP अल्ट्रा टच, जो कि यही हार्ड ड्राइव है जो यहाँ पर इस तरीके से डिटेक्ट हो रही है। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पर माई कंप्यूटर या फिर दिस PC में जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है मेरी हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो आखिर ड्राइव गई कहाँ, डेटा कहाँ है मेरा या फिर ड्राइव कहाँ है मेरी, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप डिस्क मैनेजमेंट टूल का यूज़ ले सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि आपकी हार्ड ड्राइव एक्चुअल में आपके सिस्टम में शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए आप रन कमांड में जा सकते हैं और यहाँ पर आप टाइप करेंगे डिस्क MGMT डिस्क मैनेजमेंट .msc। ठीक है, और ओके प्रेस कर देंगे। दूसरा तरीका इसको ओपन करने का, आप दिस PC पे या फिर माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके यहाँ पर आप मैनेज पे क्लिक कर सकते हैं। मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास, ठीक है, मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास स्टोरेज एंड डिस्क मैनेजमेंट आएगा। इस पर आप क्लिक करके सेम विंडो में आ सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप रन कमांड से भी आ सकते हैं डिस्क MGMT.msc टाइप करके, या फिर इस प्रोसेस से भी आ सकते हैं माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके। ठीक है, तो अभी इस विंडो को तो क्लोज कर देते हैं और इस विंडो को हम देखते हैं जो कि रन कमांड से हम आए हैं। दोनों ही सेम विंडो है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर डिस्क 0 और डिस्क 1 मेरे पास आ रही है। मेरे लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है वो भी 1 TB की है, जिसका 931 GB मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। और जो डिस्क 1 है, यानी कि एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो मैंने प्लग इन कर रखी है, ये भी 1 TB की है, जो कि यहाँ पे 931.51 GB यहाँ पे शो कर रहा है। कैसे पता लगा कि मेरी हार्ड ड्राइव कौन सी और ये हार्ड ड्राइव कौन सी है? ठीक है, पहला तो ये कि आप जो डिस्क 0 देख रहे हैं इसमें मेरी जो हार्ड डिस्क में जितने भी पार्टीशन बने हुए हैं वो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, और डिस्क 1 में यहाँ पर मुझे पार्टीशन शो नहीं कर रहा है लेकिन स्पेस शो कर रहा है। पार्टीशन शो नहीं कर रहा है दैट मीन कि वो मुझे शो भी नहीं करेगा ड्राइव में। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यानी कि हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड डिस्क इज ओके। मेरा फ्रेंड अब थोड़ा राहत की सांस ले सकता है और यहाँ पे लाइट भी ब्लिंक कर रही है तो हार्ड डिस्क इज ओके। यहाँ पर जस्ट हमें पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे तब हमें यहाँ पर ड्राइव शो होगी। ऐसा कई बार अक्सर हो जाता है, सपोज जब हम अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव किसी दूसरे OS, सपोज अभी हम विंडोज पे वर्क कर रहे हैं और हमने मैक में डालकर कुछ डेटा के साथ या फिर हार्ड डिस्क के साथ कुछ फॉर्मेट वगैरह उसी मैक प्रोसेस से किया, तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, देखने को मिलती है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के साथ। तो हमें काफ़ी केयरफुली इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं डिस्क 1। मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट और करके बताता हूँ। सपोज अगर मैं यहाँ पर ये हार्ड ड्राइव रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे डिस्क 1 गायब हो गई। ठीक है, मैंने हालांकि मैंने इजेक्ट नहीं करा, डायरेक्ट इसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर आप हमेशा इजेक्ट करेंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया। इसको मैं वापस से प्लग इन करता हूँ, लाइट ब्लिंक कर गई है और यहाँ पर डिस्क 1 मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेक्ट हो रही है हार्ड डिस्क बहुत इजीली और बहुत ही हेल्दी तरीके से। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक हेल्दी EFI सिस्टम पार्टीशन आ रहा है, एक हेल्दी प्राइमरी पार्टीशन आ रहा है, एक अनएलोकेटेड स्पेस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आपके पास कई बार सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपके पास पूरा ही स्पेस अनएलोकेटेड आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अनएलोकेटेड स्पेस को तो राइट क्लिक करके आप न्यू सिंपल वॉल्यूम डायरेक्ट क्लिक पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। इस सिचुएशन में सपोज मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट वॉल्यूम के अलावा मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं इस वॉल्यूम को डिलीट कर दूंगा।
यहाँ पर मेरे पास जो वार्निंग आ रही है वो आ रही है, द सिलेक्टेड पार्टीशन वाज नॉट क्रिएटेड बाय विंडोज एंड माइट कंटेन डेटा रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डू यू वांट टू डिलीट दिस पार्टीशन? तो आप यस कर सकते हैं। ये जो वार्निंग है आपके पास किसी और तरीके की भी हो सकती है। सपोज आपके पास सिर्फ और सिर्फ एलोकेटेड स्पेस है तो ये वार्निंग किसी और तरीके की भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको यस कर देते हैं और इस पार्टीशन को हम डिलीट कर देते हैं। यस बटन पे हमने क्लिक करा, ठीक है, और ये पूरा पार्टीशन हमारा अनअलोकेटेड स्पेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी कि आपके पास इस सिचुएशन में भी आपको जो माय कंप्यूटर है या फिर दिस पीसी है आपको आपकी ड्राइव शो नहीं करेगी क्योंकि ड्राइव क्रिएटेड ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ड्राइव क्रिएट करनी है। ठीक है, और ये आपकी सपोज न्यू हार्ड डिस्क है या फिर आपने गलत तरीके से फॉर्मेट करी है तो कई बार ये सिचुएशन आपके सामने आ जाती है। आप राइट क्लिक करके अब आप इसको न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करके यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वेलकम टू द न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड। नेक्स्ट करेंगे और आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम डिस्क स्पेस आ रहा है और मैक्सिमम डिस्क स्पेस का ही आप यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो वही क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे असाइन द फॉलोइंग लेटर यहाँ पर आ रहा है। जो भी लेटर यहाँ पर अभी खाली रहेगा या फिर जो भी नेक्स्ट लेटर रहेगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा या फिर आप अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी आ रहा है तो मैं जी ही चूज कर देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आप किस तरह का फाइल सिस्टम चाहते हैं, NTFS या फिर FAT, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अलोकेशन यूनिट साइज आप क्या चाहते हैं आप यहाँ पर डिफॉल्ट रहने दें। वॉल्यूम लेवल आपका न्यू वॉल्यूम आ जाएगा या फिर अगर कुछ और नाम रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। परफॉर्म क्विक फॉर्मेट आप कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्विक फॉर्मेट हो जाएगा और देन आप उसके बाद उसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश होने के बाद आपके पास यहाँ पे एक प्रोसेसिंग हुई और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपके पास न्यू वॉल्यूम यहाँ पर आ गई है और आपने जब इसको देखा दिस पीसी में जाके तो यहाँ पर आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की एक न्यू वॉल्यूम यहाँ पर आ गई है। दैट मीन कि जो हार्ड ड्राइव यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रही थी वो यहाँ पर हमने बहुत ईजिली इसको डिटेक्ट कर लिया है। और सपोज मैं यहाँ से इजेक्ट करता हूँ, आप देखें यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से इजेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि हार्ड ड्राइव की जो मेरे फ्रेंड की प्रॉब्लम थी बहुत इजीली सॉल्व हो गई। अब वो उसमें डेटा ट्रांसफर कर सकता है। वो सोच रहा था कि ये हार्ड ड्राइव खराब हो गई है जबकि उसने कुछ ही महीने पहले हार्ड ड्राइव ली है, जबकि बहुत ही अच्छी हार्ड ड्राइव है ये, सीगेट की अल्ट्रा टच बैकअप प्लस अच्छी हार्ड ड्राइव है, अच्छी स्पीड है इसकी। तो इस तरह से आप अपनी हार्ड ड्राइव को शो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह की प्रॉब्लम कभी आपको फेस करने को मिले तो आप इस तरह का ट्रबल शूट अपने सिस्टम में कर सकते हैं। हालांकि कुछ और तरीके के ट्रबल शूटिंग भी होते हैं लेकिन जिससे आपका काम बन जाए वही बेहतर है। अगर आपका इस तरीके के ट्रबल शूटिंग से प्रोसेस नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके लिखें, कुछ और ट्रबल शूटिंग आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपनी हार्ड ड्राइव को शो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा बस टू टेक। और नए व्यूअर्स हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।